थोड़ी सी टकरा गई, तो थोड़ा सा स्क्रैच। हेलो, सत श्रीकाल बेटा, क्या हाल? और सॉरी वी कैप यू वेटिंग है। और यहाँ पर ही आप ये बुद्ध देख रहे हैं पुतले पीछे। अरे अरे ये ना करो। गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन की शुरुआत ऑस्लो से, जो कि मालूम है कहाँ है? नॉर्वे में। इनको सब मालूम है भाई। तो आप सब लोगों का एक बार दोबारा फिर अभिनंदन, स्वागत। हमारा ये YouTube चैनल जो है द टर्बन ट्रैवलर, जिसे आप देख के इतना प्यार देते हैं। सत श्री अकाल जी, आयनू वड़कम केम छो, सब कुछ आपको पूरा पूरा प्यार। ठीक, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, इसीलिए आई है याद दिलाने के लिए। तो कल हमने टी शर्टें तो पहन ली, आज ठंड ज़्यादा, तो इन्होंने ऊपर जैकेट पहनी हुई है। और झंडा जो नॉर्वे का है वो है लाल, इसलिए इन्होंने लाल टी शर्ट पहनी हुई है। पर कल हम झंडा लगाना भूल गए अपनी गाड़ी के ऊपर, तो आज सबसे पहले झंडा लगाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ से जर्नी। दो तीन जगह हैं वो दिखाएंगे, और आज एक किसी खास शख्स के घर हम जा रहे हैं मिलने के लिए, जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध भी है और इमोशनल एक जुड़ाव भी है, और उनके साथ एक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। और अगर हम नॉर्वे आए और उनसे ना मिल के जाते तो वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। तो आपको भी लेके चलेंगे साथ में और मिलवाएंगे उनसे। कौन है, क्या करती हैं, क्या है उनका बैकग्राउंड, वो सब वहाँ जाके बात करेंगे। फ़िलहाल तो चलते हैं, और रास्ते में पहले दो चार जगह हैं वो देख के चलते हैं। गुरुद्वारा साहब का भी हमने पता किया है, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। और एक्चुअली यहाँ पर जो गुरुद्वारे हैं वो 24 घंटे नहीं खुले होते हैं, और 7 days a week भी नहीं खुले होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके आपको यहाँ का गुरुद्वारा भी दिखा सकें आज। आइए मैडम, आपका भी हाथ होना चाहिए इसके ऊपर। लग गया टाइट, थोड़ा इसको दबाओ। सो ये है नॉर्वे का झंडा। नॉर्वे की टनल्स जो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। जिस टनल से हम गुजर रहे हैं तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी टनल थी, और अभी भी ये चली जा रही है। और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह भी 10 मिनट की दूरी पे है। घर से निकले थोड़ा बहुत आगे बढ़े थे, तो फराज भाई की गाड़ी थोड़ी सी टकरा गई, तो थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गया। एनीवे सेटल हो गया, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। और हम घर वापस जा रहे थे, क्यों घर खुला रह गया था बताइए? ओए, घर की चाबी क्यों लॉक क्यों नहीं बंद करके आया था? तो फिर कैसे बंद होता घर? तो फिर अपने आप लॉक था जब तू गया था? कैसे? उसमें वो तो भी स्टार दबाना पड़ता है ना। तो अगर हम तक घर खुला छोड़ दो तो घर अपने आप लॉक हो जाता है। सुना आंटी जी, ऐसे भी होता है? टाइमिंग सेट करनी पड़ती है आपको। अच्छा, तो उसमें सेट थी? फोन के अंदर सेटिंग होती है ना। हाँ, कि फोन को आइडल छोड़ दो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कि अपने आप लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये जगह जहाँ जा रहे हैं इसका नाम है द फार्म म्यूजियम। यहाँ पर पोलर शिप खड़ा हुआ है, जो वहाँ पर होता है ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लकड़ी का है, पुराना बना हुआ कितने सैकड़ों साल, उससे वो वहाँ पर वो गया हुआ है। हाँ जी, यहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ। फिर कौन थी की मस्जिद, ये दो है, फिर म्यूजियम, म्यूजियम में 3 म्यूजियम लिख दिया ना यार। टर्न राइट, देन योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द राइट। हाँ जी, ये बस के पास वो कह रहे हैं, यहाँ पर ये कारें खड़ी, ये सब है, ज़रा कुछ पार्किंग है यहाँ पर। अब हम पहले आगे चलते हैं, पार्किंग भी आ जाएंगे। डेस्टिनेशन इज़ ऑन द राइट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, राइट है, कोई गल नहीं। पहले सामने दिखाओ, ये देखो क्या है, टिकट वगैरह इधर आएगी।
हाँ टिकट विकट है, लेंगे टिकट भी। हेलो सत श्रीकाल बेटा, क्या हाल? और सॉरी वी कैप्ट यू वेटिंग। है सो ये है म्यूजियम है। चलो भाई ये ऐप का बड़ा फायदा है, जो ऐप हमने लिया है इजी पार्किंग वाला, पार्किंग वो देखिए हमने वो पार्क करी गाड़ी और इजी तरीके से सेलेक्ट किया, सवा घंटे का हमने इसमें वो लगाया और उसने बताया कितने पैसे और हम पार करके अपने घर, मतलब अपने काम से। सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू इट। हाय थैंक यू। तो ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो आपको जानते तक नहीं, गाड़ी देख के फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं या तारीफ करते हैं या आपसे इंस्पायर होते हैं। तो ये तभी होता है जब आप अपने आप को प्रेजेंट ठीक तरीके से कर रहे हो और आपकी गाड़ी ये बताती हो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। खाली एक स्टिकर दिल्ली से लंदन लगाने से काम नहीं होता है। एनीवे ये है सामने वो म्यूज़ियम, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तीन म्यूज़ियम हैं तिकोने जो बने हुए हैं, इनके अंदर वो शिप्स खड़े हुए हैं। ये फ्रैम है, फार्म नहीं है, ये फ्रैम म्यूज़ियम है, FRAM। सो फ्रैम एक शिप का नाम है जो यहाँ पर खड़ा है, जो नॉर्थ और साउथ पोल से होके आया हुआ है। तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री है, अंदर देखेंगे। एक ये कॉर्न टिकी, ये भी एक म्यूज़ियम है सामने लेफ्ट को, ग्रेट एक्स सी एडवेंचर ऑफ द टाइम, ये भी देखेंगे क्या है इसमें, पता करते हैं इसके बारे में भी। सामने देखा लिए ओशन का जो बैक वाटर्स है ये वो है, यहाँ से शिप जाते हैं। मेरे ख्याल से जो शिप से हमने कल जाना है वो भी ही सामने के नज़दीक होगा। अभी आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पर ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर ये आप ये बुद्ध देख रहे हैं पुतले पीछे, ये इनकी एक हिस्ट्री है और इन लोगों के नाम हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। और हिस्ट्री यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि 1911 में ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए और ये इन लोगों के नाम हैं सारे, और जिसने बनाए हैं उस बंदे का भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये हॉकन एंटोन फॉरगेरस, हॉकन एंटोन फॉरगेरस ये थे जिन्होंने ये बनाया है। ओहो एक और एक्सीडेंट होते होते बचा, मोहित अभी गिरने वाले थे, बचाव हो गया, रॉक पे गिरने वाला था तू तो। और ये लग जो रहे हैं ये आर्मी के कुछ ऐसे वो लग रहे हैं पुतले जो हैं, या हो सकता है शायद ये वो हों लोग जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे गए हों। तो इसके बारे में कोई यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। एनीवे सामने ये समुंदर है, आइए थोड़ा समुंदर भी देखें जी, आओ जी। तो ये एंकर है, इसके साथ इतनी मोटी चेन पड़ी है लोहे की, ये जहाज़ों को रोकने के लिए बनाया जाता है कि जहाज़ जब इसको फेंकते हैं पानी में तो जहाज़ रुक जाता है। और ये क्या है ये पता नहीं, ये दांते दूते बने लोहे का, बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है। इसको भी मेरे कहीं ना कहीं डाल के फेंका जाता होगा, शार्प है, शार्प है नीचे ये बना है। और ये गन्स हैं, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी वाली आप रख लो, बड़ी वाली मेरे को दे दो खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए, खींच ले भाई फ़ोटो भी खींच ले, वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेते हैं अपने मेमोरीज के लिए, हैं जी। और क्या करना, क्या देखना है यहाँ पर, बहुत सुंदर सा पीछे खड़े होते हैं, बीच बड़ा अच्छा है यार यहाँ का। ये देखिए पानी के साथ ये बनी होंगी चट्टाने जो हैं, ये नेचुरल बनी हुई है, किसी ने इसको कार्व नहीं किया हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वो पुराना शिप जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों गया हुआ है, और इसके अंदर शिप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शिप कैसा होता है आपको सब दिखाएंगे। और बाहर जो पांच पुतले लगे हुए थे वो उन लोगों के पुतले थे जिन्होंने ये एक्सपीडिशन किए हैं। सो मैं सही था, अंदर आके पता लगा हमें। और यहाँ पर ये सोवनीर शॉप भी है और बहुत कुछ है, पूरे बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट में सब यहाँ की जो चीज़ें हैं जो एक्सपीडिशन से संबंधित है वो सब यहाँ देखने को मिलेंगी आपको।
एक एक करके आपको सब कुछ दिखाते हैं। इस फ्रेम म्यूजियम की शुरुआत होती है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के द्वारा, जो कि आपको ये बताती है कि इस म्यूजियम में क्या क्या है, क्यों है और किस लिए रखा गया है, और ये सारा कुछ इस फिल्म के द्वारा दर्शाया गया है। आइए चलते हैं इस फिल्म को देखने के लिए, जो कि नीचे बेसमेंट में बनी हुई ऑडिटोरियम है जहाँ पर ये दिखाई जाती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1893 से। फ्रेम नाम के 3 जहाज इस एक्सपीडिशन में शामिल थे, और पहले जहाज का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ, तीसरे का क्या हुआ, तो शुरुआत करते हैं पहले जहाज से। और टोटल इस एक्सपीडिशन में सैकड़ों लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें से तकरीबन 1000 लोग इस एक्सपीडिशन में मारे गए। तो जब फ्रेम नाम का एक पहला शिप भेजा गया था नॉर्वे की सरकार के द्वारा, उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी, तब किंगडम हुआ करती थी यहाँ पर, और उसके द्वारा जब ये शिप भेजा गया था तो उसका मकसद था वहाँ जाकर ये एक्सप्लोर करना, जो कि नॉर्थ पोल है आर्कटिक का, कि वहाँ पर ज़िंदगी बसती है कि नहीं, वो क्या वो दुनिया का आखिरी कोना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उस एक्सपीडिशन में शामिल थी। जब ये जहाज वहाँ पर किसी तरीके से पहुँचा, और तब वो जाके वहाँ पर बर्फ़ के एक बहुत सारे जमे हुए पानी में वो फंस गया। वहाँ पर जमी हुई बर्फ़ को काटना बहुत मुश्किल था। 3 साल तक लगातार वो शिप वहाँ फंसा रहा, 1893 से लेकर 1896 तक। उस दौरान बहुत सारी कोशिश की गई उस शिप को रेस्क्यू करने के लिए, जिसमें सरकार के द्वारा, पर आखिरकार जब उनको वो शिप मिला तब तक वो सारे लोग मारे जा चुके थे, जिसकी शिनाख्त एक खत द्वारा हुई, जो कि उनका आखिरी खत था जो उनको मिला। और उस खत के द्वारा ये पता लगा कि क्या हालत हुई है उनकी, और उन 3 सालों में उनके साथ क्या क्या गुजरा। इस एक्सपीडिशन में 3 शिप इन्वॉल्व थे, फ्रेम 1 जो कि फंस गया था और जिसमें से बहुत सारे लोग मारे गए, जिसको रेस्क्यू करने के लिए फ्रेम 2 नाम का जो शिप था, जो कि बहुत बड़ा शिप है जो यहाँ डिस्प्ले किया गया है, वो गया, जो कि सक्सेसफुल रहा, और जिसमें से 5 लोग जिंदा बचे थे, जिनके यहाँ पर स्टैचूज लगे हुए हैं। और फ्रेम 3 नाम का जो शिप था वो फिर उसके बाद साउथ पोल की तरफ गया था। तो आइए एक एक करके यहाँ पर वो जो सारी चीज़ें जो इन शिप्स के एक्सपीडिशन के साथ संबंधित हैं आपको वो दिखाते हैं। एक कैमरा देखने को मिलता है, वो ओरिजिनल कैमरा जिससे उस वक्त उन्होंने उस एक्सपीडिशन की फ़ोटो ली होंगी, वो कैमरा भी यहाँ देखने को मिलता है। और इसके आगे जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक याक देखने को मिलता है, और उसके बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, जो ओरिजिनल याक है जिसको इन्होंने स्टफ़ करके यहाँ रखा हुआ है। फिर वो कपड़े जो वो उस वक्त लोग पहना करते थे एक्सपीडिशन में, वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। और उसके बाद एक सिलेंडर देखने को मिलता है, वो सिलेंडर जिसके अंदर ये अपनी डेली की रिपोर्ट्स या अपनी डायरी वो डाल के रखते थे, उसको सील करते थे ताकि वो ख़राब ना हो और ये आखिरी निशाने के तौर पर देखा जा सके। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जिसमें उनकी बाल्टी, उनके हथियार, और एक ऐसी बंदूक जो कि 1891 में बनाई गई थी और वो प्राइवेट ओनरशिप में है, और ये उनका कुकर है, और ये उनके कपड़े फिर दिखाए गए हैं जो ओरिजिनल कपड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये वो बंदूक है जो ओरिजिनल ओनरशिप की है किसी की, जिसको कि 1893 में किसी ने शायद ओन किया था, और 1891 में ये बंदूक बनाई गई थी, और ये मेंशन किया गया है इस बंदूक के ऊपर। यहाँ पर एक म्यूज़िक बॉक्स भी है जो दर्शाता है कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये म्यूज़िक बॉक्स को उस वक्त इस्तेमाल किया करते थे, और ये उनकी दवाइयों का एक पिटारा है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें उनकी दवाइयाँ रखी जाती थी। और ये वो जहाज़ है, हवाई जहाज़ डॉर्नियर वॉल, जो उस वक्त इस्तेमाल किया गया था उनको ढूंढने के लिए, और ये एक्चुअल जहाज़ है, ये कोई मॉडल नहीं है। और ये है वो एक्चुअल शिप जो फ्रेम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फ्रेम 2 भी बोलते हैं, जिसके नाम पे ये द फ्रेम नाम का म्यूज़ियम यहाँ बनाया गया है। आइए चल के अंदर से देखते हैं कि शिप कैसा है। ये शिप का पहला तल है जो कि ऊपर का, जिसको हम डेक बोलते हैं। ऊपर से अंदर शिप के अंदर जाके सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम उस तल पर आते हैं जहाँ पर इनकी किचन बनी हुई है, और ये सारा सामान उसी वक्त का है। पहले फ्लोर से और नीचे उतरने के बाद यहाँ पर हमें वो केबिन नज़र आते हैं उन 5 लोगों के, जो कि सर्वाइवर थे इस शिप के, जो आज भी उसी तरीके से यहाँ रखे हुए हैं,
और उनका एक मॉडल भी रखा है जिसको देख के लगता है कि वो एक्चुअल में जिंदा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया गया है उन लोगों का जो सर्वाइवर थे इस एक्सपेडिशन के। और ये पहला कैबिन है, इनके बाहर उनका नाम लिखा हुआ है। फिर ये दूसरा कैबिन है, ये दूसरे एक्सपेडिशन के जो पार्टिसिपेंट थे उनका, और उनकी चीज़ें उसी तरीके से सहेज के रखी गई हैं। और ये वो इंजन है जो उस वक्त इस शिप में इस्तेमाल किया गया था, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये उसका एक वीडियो है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ये आगे थोड़ा हम और नीचे चलते हैं तो इस तल के ऊपर हमें और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये उनका एक कारपेंट्री की एक वर्कशॉप से बनी हुई है जो छोटे मोटे काम के लिए वो इस्तेमाल करते थे। इस शिप के रेस्क्यू के लिए यहाँ पर दो बोट्स एक साइड के ऊपर बनाई गई हैं जो कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा शिप है, जो पहला शिप गया था तकरीबन उससे एक दो गुना बड़ा, और इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रैम FRAM। तो ये थी इस म्यूज़ियम की पूरी कहानी जो आपने सुनी हमारी ज़ुबानी, जिसमें इस म्यूज़ियम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रह भी गई होंगी। तो आज इस म्यूज़ियम के सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। और आगे की ओर जो वो डेस्टिनेशन है जहाँ हमने आज शाम को जाना था, यानी कि गुरुद्वारा साहब, और उसके बाद जिनके हमने घर जाना है वहाँ पर, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रास्ते में जिसके पहुँचने के लिए हमें काफ़ी समय लगा, और अब हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहब। सो हम पहुँच गए हैं जी गुरुद्वारा श्री नानक निवास, जो एलियर में है यहाँ पर नॉर्वे में। और मेरे साथ जो कुलवंत सिंह जी यहाँ के जो प्रधान हैं, उनके बेटे बेटे जैसे ही हैं जी। तो ये यहाँ पर आए थे, हमने 7 बजे का बोला था यहाँ आने का, लेकिन हम 2 घंटे पहले आ गए और इनसे मुलाकात हुई। सो ही इज़ वेरी नाइस एंड ही गिवन अस द परमिशन टू शूट द गुरुद्वारा साहब एज वेल। सो ठंड बहुत है और यहाँ पर गुरुद्वारे जितने भी बाहर विदेशों में होते हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादातर सैटरडे संडे को आते हैं, या कोई ओकेजन होता है तब आते हैं। तो दिन में गुरुद्वारा साहब में लोग कम होते हैं। ये खाली यहाँ के गुरुद्वारे का नहीं है, आप यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, कैनेडा में चले जाएँ, हर जगह पर ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर काम करते हैं और सारा दिन बिजी रहते हैं, तो एक सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तभी गुरुद्वारा साहब में लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इनसे मिलने के बाद हम अंदर जाएंगे, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। थैंक यू एंड स्टे इन टच विद अस। चलिए थैंक यू सो वेरी मच। तो सारा एक एजेंडा आएगा मिलियन हग्स फॉर पीस है जी। आओ जी, जिंदे रहो। थैंक यू जी सो मच, तुम्हें दर्शन कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू। आंटी जी ऊपर चले गए दर्शन करने के लिए, मैं पीछे रह गया था आपको बताने के लिए कि ये गुरुद्वारा साहब बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और अंदर घुसते ही ऊपर जाने की लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, साथ पे ग्लास लगा हुआ है। लेफ्ट को लेडीज़ का स्थान है जहाँ पर वो अपने कोट वगैरह टांग सकती हैं, और वॉशरूम और जूते रखने की जगह है। और राइट साइड को यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर ये मेंस के लिए है। ये मैंने अपने जैकेट टांग दी और शूज उतार दिए मैंने, और शूज उतार गए। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर वॉशरूम भी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ बने हुए हैं। वहां पर लंगर का स्थान है, आइए वो भी देखते हैं। यहाँ पर इनका एक लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, लोग अगर आए तो वहां बैठ भी सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा और सुंदर ये हॉल है, लंगर हॉल है, और काफ़ी लोगों के बैठने की जगह है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जो लोग बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए स्टूल का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है, जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं। सो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा ये बना हुआ गुरुद्वारा, एक पहाड़ी के ऊपर है, छोटा सा पहाड़ी टीला है उसके ऊपर ही बना हुआ है। आइए चलते हैं ऊपर गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने। और ये नीचे बेसमेंट भी है यहाँ पर, तो मुझे लगता है जो यहाँ के
एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, शायद उनके रहने की ये जगह होगी, और कमरे भी हैं नीचे यहाँ पर। एक लाइब्रेरी भी है जो है बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं रखी गई हैं। बहुत ही सुंदर हॉल दरबार साहब का, जिसमें सफ़ेद चदरें, एक बहुत ही इसको बोलते हैं धार्मिक और स्पिरिचुअल फील देती हैं आपको। और यहाँ पर कीर्तन का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर राजी जत्था बैठता है उसका है। यहाँ पर एक डायस बना हुआ है, और यहाँ पर आप कुछ कहना चाहें जब यहाँ पर फंक्शन होते हैं तो वो बोला जाता है यहाँ से। और गुरुद्वारा साहब यहाँ पर जो है नॉर्मल में एक नहीं है, यहाँ तीन है। और जिस गुरुद्वारा साहब में हम आए हैं, ये फॉर्चुनेटली हमारे एक मित्र हैं जो साइड पे रहते थे डरमन में, तो उन्होंने बताया कि लाहौर में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास साहेब जी। तो गुरुद्वारा श्री नानक निवास लाहौर डरमन नॉर्वे। तो हमने सोचा कि यहाँ से होके चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा रहा हमारे यहाँ आना, क्योंकि एक एनर्जी जो इस गुरुद्वारे में है, अब काफ़ी टाइम 2 महीने हो गए बहुत जरूरी थी। मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। चाह ले लेना जी। चाह बहुत सुना यात्रा। हाँ जी। ਸਿਗਨੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਫਲ ਕਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ दस चौबीस गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के बाद, और ग्रंथी जी को जो हेड ग्रंथी साहब उनसे मिले, और बाकी सब लोगों के जो कीर्ति जत्था था उनसे मिलने के बाद, और लंगर चाय का जो था वो हमने छका। तो जैसे ही हम बाहर निकले, और बाहर निकल के राइट साइड पे जो हमें नज़ारा देखा बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर जहाँ पर ये गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, और लायर जगह है और डरमन एरिया है, तो यहाँ पर सामने ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर पहाड़ी पे ये मकान टेरेसेस में बने हुए हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और ये सामने भी इसी तरह ये यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों पे ये मकान बने हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ से देखने में। हाँ जी, फिर किस तरह लग गया?
गुरुद्वारे दी जो सीढ़ियां सी चढ़िया जो वाइब्रेशन सी हमारे अंदर एक वो था ना कि इतने दिन हो गए असि मिले नहीं बाबा जी नु इतने दिन हो गए ने असि गुरुद्वारा सानू कोई नहीं दिखिया पर जाके जो खुशी हुई मन इतना खुश होया भाई मेरे तो अथरू नहीं रुक रहे थे जब मैं मत्था टेकया उस बाद हुक्मनामा उन्होंने लिया सानू सुनाया बहुत ही अच्छा लगया बहुत वो तो दस ही नहीं सकते ना इसका दर्शन हो जाए मेल मिलाप हो जाए तो की अंदर दी इस तरह अपने माँ प्यो नाल मिलके खुशी होंदी है इस तरह अपने गुरु नाल मिलके खुशी का साथ जिहड़ा सीगा कितने दिनों तो छोड़े सी हाँ इन्ना कर रहे हैं कोई गुरुद्वारा के दर्शन नहीं होए सानू लड्डू जेड़े सी बड़े मोटे मोटे बूंदी दी मोटी बूंदी दे स्वाद हुंदे ने बड़ा स्वाद सी गए संगत दे हाथ दे बने हुण फिर ओदे प्यार पिया होए उहनां दी बाणी पई होए तो जिनके यहाँ हमें जाना है वहाँ दो मिनट का समय रह गया है हम उसके इलाके में आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको उनके बारे में उनका नाम है आभा और हमारी मम्मी जी जब फैक्ट्री चलाती थी तो वहाँ पर इन्होंने तकरीबन 18 से शायद 20 साल उनके साथ मेरी मदर के साथ काम किया है और वो परिवार जैसा संबंध था और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले और इनके दो बेटे थे उनको दोनों को पढ़ाया लिखाया और एक बेटा जो है इनका वो यहाँ पर नॉर्वे में रहता है और दूसरा बेटा जो है इनका वो कनाडा में रहता है तो ये कनाडा में रहती हैं अपने जो छोटे बेटे के साथ और आजकल यहाँ पर आई हुई थी तो मेरी मॉम ने जब कहा कि भाई अब जा रहे हो तो उनसे मिल के आना हाँ जी हाँ जी हाँ जी अरे 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 ये ना करो चलो भाभी अपना गाड़ी को गैरेज में कर बेटा मुझे मौका कब मिलेगा मैं तो पूरा दिन वेट करी जब अगल बगल का प्लेस आप लोगों को दिखाऊं कुछ नहीं कर कर पाई अरे बैठो यार गाड़ी करा लॉक करा करा है लॉक कर दिया हेलो नहीं बन गया नहीं है पता नहीं
कितने मंथ्स का है ये? 14 हो गया। 14 तो आप वैसे कनाडा में होते हो? मेरा काम खत्म हो गया, अब जाके कनाडा में ना आलोक अग्रवाल समथिंग, आपके घर के पास ही हमका चलो। आपका दिल कहाँ लगता है ज़्यादा? जी ज़्यादा दिल कहाँ लगता है? मैं तो 6 ईयर से वहाँ से यहाँ जस्ट अभी आ गई। चलो अब 193 कंट्री जाएगी, 193 कंट्री जाएगा ये। ये सर इसमें नॉर्वे लिखे क्या? नहीं लिख दो, नॉर्वे भी लो, सारे पढ़ते भी हैं। चल तू लिखता ना, देखो मेरे से लिखा है कुछ आता तो है नहीं मुझे। लिखे नहीं? ठीक है आप लिखना बेटा, लिख दो एक ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब कि और भी जगह जाने हैं। आज का डेट क्या है? 30/10/24 एक दिन दिवाली से पहले। 24 अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो 5 साल करना है। बाप रे बाप, बाद में जाए और करें। 5 साल सर अब ड्राइविंग सर कर रहे हैं, सोचो देखो सर का ओ। और आगे जाके राइट लेना, फिर नीचे जाते फिर लेफ्ट और फिर ऊपर, ये ऊपर वाले रोड से ये ब्रिज आ और वो ब्रिज के अंदर से रोड नहीं लीजिएगा सर, वो शॉर्ट है। ठीक है, हैप्पी जर्नी। ये भी एक जिंदगी है, बंगारों वाली जिंदगी, रमता जोगी बहता पानी। आज दिन अच्छा गुजरा, सबसे पहले हम म्यूजियम देखने गए और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजियम था। उसके बाद फिर हम गुरुद्वारा साहब गए, वहाँ उन गुरुद्वारा साहब के दर्शन किए, लंगर पानी चखा और फिर आबाजी के घर जाकर वहाँ पर डिनर किया। अब करते हैं अपने दिन की यहीं पर दी एंडिंग और कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहें और देखते रहें हमारा ये ब्लॉग द टर्बन ट्रैवलर। थैंक यू, बाय।